2019 ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ଆଜି ନିଜର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ପ୍ରାୟ 15,000ରୁ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତ୍ତିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦର ମୁଖ୍ୟ ମୌଲାନା ମାସୁଦ୍ ଆଝାର, ତା'ର ଭାଇ ଅବଦୁଲ ରୌଫ୍ ଅସଗରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମର ଫାରୁକ୍ ଏବଂ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦ ଦର୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 6 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏନ୍ଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ବିବରଣୀ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏନ୍ଆଇଏ କହିଛି। ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର 40 ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୁଲୱାମାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଭାରତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ବାଲାକୋଟ୍ସ୍ଥିତ ଜୈସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏନ୍ଆଇଏ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେବ। पुलवामा हमले में एनआईए ने चार्जशीट जम्मू की स्पेशल एनआईए कोर्ट में फाइल कर दी है आज, और अगली तारीख 1/9 की है। 1/9/2020 को दोबारा से सुनवाई होगी। 6 आरोपी जो थे उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसी एनआईए की कोर्ट में आज पेशी करवाई गई है। एनआईए की ओर से चार्जशीट आज फाइल करते वक्त एनआईए की टीम ने डिजिटल एविडेंस जो थे वो जज के सामने रखे, और साथ ही लगभग 13,500 पन्नों की जो पूरी चार्जशीट थी जिसमें 5,000 पन्ने जो ऑपरेटिव हैं वो भी उनके सामने रखे हैं। के सामने इस पूरी चार्जशीट में डिजिटल एविडेंस के जरिए जज को यह बताया गया है कि किस तरह से सीमा पार जो एक साजिश रची गई जैश ए मोहम्मद की तरफ से जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हमला करने की, और 2019 में एक बड़ा हमला पुलवामा में किया गया जिसमें 40 के करीब जवान जो है सीआरपीएफ के शहीद हुए। उसके बाद एनआईए को केस जो है वो सौंपा गया था। तो पूरी जांच के बाद एनआईए ने आज जम्मू कोर्ट में केस को फाइल कर दिया है, चार्जशीट फाइल कर दी है, और अगली तारीख जो है वो 1/9/2020 होगी। उस दिन एनआईए फिर यहां पर आकर जो आरोपी है उनको जज के सामने पेश करेगी। पवन शर्मा, News18 इंडिया, जम्मू। पुलवामा हमला 2019 14 फरवरी उसके होने के बाद ही तहकीकात शुरू हो गई थी, लेकिन आज जम्मू के एनआईए कोर्ट में फाइल चार्जशीट फाइल की गई, और उसके बाद 5,000 डिजिटल और 5,000 पन्नों की चार्जशीट यहां पर फाइल की गई है। तो लगभग 15,000 ऑडियो मिला के भी 15,000 चार्जशीट यहां पर पन्नों की यहां पर फाइल की गई है आज। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर एनआईए की जो टीम थी वो आज जब यहां पर पहुंची है तो ट्रंक और 3 पेटियों में जो डॉक्यूमेंट्स जो चार्जशीट फाइल की है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 एक्यूज थे जो एनआईए के ऑफ हेड ऑफिस त्रिकुटा नगर में थे, और यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो जज हैं उन्होंने पेशी जो है वो ली है उनकी। और ज्यादातर अगर बात करें कि ये पाकिस्तानी जो सरगना थे उन्होंने इस तरह की जम्मू कश्मीर में हमला करने की जो साजिश रची थी, और बहुत सारे हमले तो उन्होंने किए, लेकिन पुलवामा में जो हुआ दर्दनाक हमला जो था उसकी तहकीकात डे 1 से ही शुरू हो गई थी। लेकिन आज जब इतने 15,000 से ज्यादा पन्नों की जब यहां पर चार्जशीट फाइल हुई तो उसके बाद नतीजे कुछ सामने आए हैं। 19 अक्यूज्ड हैं, और भी अक्यूज सामने आएंगे जो जल्द ही एनआईए के ऑफिशियल सोर्सेज से हमें पता चला है कि और भी कुछ अक्यूज्ड हैं जो जल्दी ही जिनको अरेस्ट किया जाएगा। और अभी तक फिलहाल 7 लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन अभी जो लिस्ट है उसमें 19 लोगों के नाम है, लेकिन बहुत से नाम अभी आना बाकी है क्योंकि इनकी जो अगली तारीख है वो 1/9/2020 को अगली तारीख है। स्पीड ट्रायल पे इस केस को लिया जा रहा है, और जल्दी ही इस केस में जितने भी अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनके नाम जो है वो सामने आएंगे। तो एनआईए कोर्ट में आज पूरा दिन इसी बात पे चर्चा चलती रही कि आखिरकार होगा क्या। तो फाइनली ये हुआ कि 19 लोगों की लिस्ट में नाम आया है, 19 अक्यूज्ड, और जिनमें 7 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया है। और कश्मीर के बहुत सारे ऐसे लोकल लोग भी हैं जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में अपना हाथ जिनका हाथ था। और आज फाइनली एनआईए कोर्ट में जब ये चार्जशीट फाइल हुई है तो बहुत से ऐसे नाम थे, लोकल ऐसे लोग थे, और पाकिस्तान के सरगना मसूद अजहर जो जैश के चीफ है, मसूद अजहर उनके भाई जो है वो भी शामिल थे, और पाकिस्तान के ही बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में जिन्होंने इस तरह की घटिया हरकत को अंजाम दिया था। और जम्मू कश्मीर में भी कई आतंकवादी जम्मू कश्मीर के हैं जिनका नाम भी उस लिस्ट में दाखिल था। और फाइनली आज वो दिन आया कि वो चार्जशीट फाइनल हुई, लेकिन 1 सितंबर 2020 को फिर से स्पीड ट्रायल हियरिंग होगी जिसमें और भी नतीजे सामने निकल कर आएंगे। तो आज कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में उस दिन 2019 14 फरवरी को जो दर्दनाक हादसे में 40 जवानों की जान गई थी उन परिवारों को आज थोड़ा सा हौसला जरूर मिला होगा क्योंकि 7 अक्यूज तो पहले ही अरेस्ट थे, 19 की लिस्ट आज पता चली है। तो इसमें